जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे, उसी के खिलाफ उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं। कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। शिवाजी महाराज जी ने देश को, दुनिया को क्या मैसेज दिया था? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। तो अगर हम सोचें कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन्ह है तो यह है। सीधा सा डायरेक्ट, सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा, 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो नहीं लड़े थे। पूरी जिंदगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कर्म किए उन्हीं की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते तो ये नहीं होता। मतलब सीधा कनेक्शन है। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो के जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। आप देखिए, विचारधारा बहुत पुरानी है, इनके समय भी यही लड़ाई चल रही थी। जब इनका राज अभिषेक होना था, उसी विचारधारा ने राज अभिषेक नहीं होने दिया। यह कोई नई बात नहीं है। यह मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है। नहीं है, यह हजारों साल पुरानी लड़ाई है, और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे, उसी के खिलाफ उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आपने देखा, नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी, मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी, इसीलिए वो मूर्ति गिरी है।
क्योंकि उनके विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था, लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। साथियों, एनडीए की केंद्र सरकार ने ही घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। विकास की गति तेज करने के लिए यहां राज्य सरकार ने संत सेवालाल महाराज बंजारा तांडा समृद्धि अभियान भी चलाया है।